चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से जो पेंडुलम बॉब हैज स्पीड ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू इट्स लोएस्ट पोजिशन लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमें दिया हुआ है पॉइंट फाइव मीटर देन इट्स स्पीड यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए uh, सवाल है उसके बाद देन इट्स स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल सिक्सटी डिग्री विद द वर्टिकल इज जी की वैल्यू हम टेन ले सकते हैं हमारे ऑप्शन है दो एक चार या तीन मीटर पर सेकेंड नाउसनेरियो ये है कि ये आपका पेंडुलम यहाँ पर ऐसे लटका हुआ है राइट उसके बाद वो पेंडुलम ऐसे ऐसे करके आपका मोशन कर रहा है सो uh, right. so, ये आपका जब इस जगह पे पहुंचा है पेंडुलम इस लोकेशन पे, जहाँ पे आपका ये एंगल 60 डिग्री का बना हुआ है सो so, उस जगह पे हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको लेट्स से यू वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे आपकी स्पीड uh, कितनी होएगी यहाँ पे वी की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है ये एंगल 60 डिग्री है लेंथ जो है लेंथ हमें दी हुई है 0.5 मीटर ना इस केस में वी कैन यूज़ एनर्जी कंजर्वेशन सो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल करें और लेट्स कॉल दिस पोजिशन यहाँ पर हम कह रहे थे हैं आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो कह रहते हैं तो यहाँ पे हमें बस ये पता करने की ज़रूरत है कि ये आपकी हाइट यहाँ पे कितना राइज किया है ना ये एंगल आपका एल ये साइड आपकी एल है ये आपका uh, 60 डिग्री राइज किया है तो ये वाली साइड जो हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा और ये वाली साइड जो होगी जिसको मैच कह रहे हैं दिस विल बी इक्वल टू एल माइनस एल कोस थीटा ना यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करें इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी सो इनिशियल एनर्जी इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़ीरो है प्लस कानेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू इस जगह पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वी यहाँ पे वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू है स्पीड है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है हले right, तो एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा सो तो एम का कोई रोल नहीं है और इसको अगर हम पूरी क्वेश्चन को टू से मल्टीप्लाई कर दें सो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा आपका यू स्क्वायर यू अपने को थ्री दिया हुआ है सो ये हो गया थ्री स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी यानी कि टेन एल एल की वैल्यू हमें दी हुई है वन बाय इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट फाइव है इसको हम वन बाय टू लिख सकते हैं वन माइनस कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी इज़ वन बाय टू प्लस हाफ़ जो है अच्छा इसको हमने पूरी क्वेश्चन को टू से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ एक टू और आएगा मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस हाफ़ यहाँ पे कैंसिल हो गया है और मल्टीप्लाईड प्लस एम आपका कैंसिल हो गया है यहाँ पर आ गया वी स्क्वायर विच एम्प्लाईज़ वी स्क्वायर जो है दैट विल भी इक्वल टू थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो टेन इंटू वन बाय टू ये बचेगा फाइव uh, ये बचा आपका वन बाय टू वन बाय टू ये हो गया आपका फाइव राइट सो वी स्क्वायर इज़ फोर विच एम्प्लाइज वी की वैल्यू हो जाएगी टू मीटर पर सेकेंड ये आपकी यहाँ पे इस लोकेशन पे वेलोसिटी आ गई एंड हैंस ऑप्शन नंबर वन टू मीटर पर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया